अगर आप संडे के दिन आते हो तो लाइन देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और आज मैं आया हूँ ताजमहल, देख लिया होगा पीछे लाल कलर का ताजमहल है ना यार। अगर मैं ये बोलूंगा ना कि ताजमहल, तो कई लोग गाली देने वाले हैं कि भाई ताजमहल 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 नहीं। अब मैं आया हूँ हुमायूं का मकबरा। जो ये मकबरा है हुमायूं का मकबरा, इसको देख के, इसकी कॉपी की गई है ताजमहल, इसको देख के बनाया गया था। इस वीडियो को लाइक इसलिए करना क्योंकि दिल्ली में मेरी फेवरेट जगह ये है। और आप यहाँ पे आते हो ना यार, आज से देखते हो तो लगता है कि ये जैसे ना कल ही बनाया गया है, कल परसों या दो तीन साल पहले ही, बट ये बहुत पुराना है। किसके लिए बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? हुमायूं का मकबरा सुन के तो आपको पता ही लग गया होगा ये किसके लिए बनाया है और किसने बनाया था, कब बनाया गया था, सब कुछ इस वीडियो में। बने रहो तो देखते रहो ना, पहले ऊपर चलेंगे, सब कुछ दिखाने वाले हैं यहाँ का कि किसके लिए अच्छी है किसके लिए नहीं वगैरह वगैरह वगैरह। ज़्यादा बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, आओ। देखो ऊपर आने के बाद दो तीन कब्र आपको इधर दिख जाएंगे ऊपर, और जो असली कब्र की मैंने बात की थी ना वो मिलेगी आपको इसके नीचे। जाली से नीचे दिखता तो कुछ नहीं है, बट जो असली कब्र है सब और यहाँ लोगों ने सिक्के डाल के अपनी विश मांगी हुई है, तो आप भी कभी आना तो मांग लेना, क्या पता पूरी हो जाए। जो असली कब्र होती है वो नीचे होती है। बाकी दिख रहा है ये नाई का मकबरा, इसके अंदर है दो कब्र, एक महिला की कब्र है, एक है पुरुष की कब्र। ये कब्र किसकी है पता नहीं, नाई का मकबरा तो नाई की कब्र होगी, महिला की कब्र का नाम लिखा है। आओ अंदर से दिखा देते हैं आपको। आज ये जो कब्र दिख रही है, ये जो कब्र है ये है पुरुष की कब्र, ये जो कब्र है ये है महिला की कब्र। इस पे उर्दू में लिखा हुआ है, अब उर्दू तो आती नहीं है, इसको आते हुए इसको पता होगा कमेंट करके बता देना कि ये कब्र किसकी है। फिर मकबरों के पास आओगे ना तो बिल्कुल लास्ट में कोने पे देखो ये बने हैं कुछ रूम से, और उसके अंदर चलते दिखाता हूँ किसके लिए अच्छी जगह है ये अंदर से। दो मिनट रुक जाओ कोई है पर काफ़ी वेट करा दिया, उनसे जाके बोलना पड़ रहा कि चले जाओ बाहर, दो मिनट का रिकॉर्ड करना है फिर आप चले अंदर चले जाना। तो एक बार अंदर से दिखा देता हूँ मैं ये जगह कैसी है अंदर से। देखो ये जगह बिल्कुल कोने में है, इधर कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं, तो ये जगह कपल्स के लिए बड़ी अच्छी है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा भाई आपको। मैं दिखाता हूँ, पीछे है मकबरा और इस तरफ है बड़ा सा पार्क, यहाँ पे हुमायूं के मकबरे में ट्रस्ट में इधर कोई नहीं आता, और ये जगह अच्छी है। मैंने देखा जितने भी कपल्स हैं ना वो सीधा नहीं जा रहे, वो इधर मुड़ जा रहे हैं, तो कपल्स भाई इधर ही आते हैं, उस साइड मत करो कपल्स है। बाकी चलो अंदर का दिखाते हैं। देखो आप घुस रहे हैं इसके अंदर, और अंदर कुछ ऐसा है, चटाई बिछी हुई है, यहाँ पे कुछ कपल्स तो नहीं दिखा पाऊंगा, चलते हैं बाहर। देखो ये है मकबरा, और
इधर देखाओ तो ये है पूरा गार्डन टाइप, बहुत बड़ा पार्क टाइप है और अंदर कपल्स बैठे हुए हैं। तो ये अच्छी जगह है कपल्स के लिए, अगर ऐसे कपल आ रहे हो तो यहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करना नहीं मिलेगा। यहाँ पे फैमिली वाले भी लगे हैं, देखो बस फ्रेंड 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 एंड कपल्स। तो देखो जिस तरफ मैं अभी खड़ा हूँ ना, यहाँ पे किसी की एंट्री नहीं होती, बस स्टाफ वाले आते हैं। मैं तो बस आ गया, मैंने कहा बस 2 मिनट यार रिकॉर्ड करना भैया। और ये जगह देखो, इस तरफ अलाउ नहीं किसी का आना, बस ये मेरे वीडियो में देखो करने को मिलेगा आपको। ये देखो जो टूट गया ना, ये पुराने जमाने की तो दुकान है, यहाँ पे बाजार लगता था पूरा। और ये आगे कुछ दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा जूम करने दो, देखो इधर थोड़ा बहुत ठीक है। तो ये दुकानें हुआ करती थी पहले टाइम की, अब ये टूट गई हैं। तो ये है दीवार, और दीवार के इस साइड बहुत सारी कब्र हैं। वो जो 150 कब्र मैं सोचा था कि 150 कब्र होगी कहाँ, तो मुझे लगता है ये जो बाहर कब्र दिख रही है ना, इन सबको मिला के 150 कब्र होंगी। ये देखो एक यहाँ पे अगर पास में देखेंगे तो बहुत कब्र हैं। बाकी ये जो दीवार दिख रही है ना, इस पर आप चल सकते हैं और पूरा राउंड लगा सकते हैं। थोड़ा चल रहे हैं, देख के आते हैं। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ इस दीवार पे, अब वीडियो टाइम आ गया वीडियो ख़त्म करने का। तो कुछ ये बता देता हूँ, देखो फर्स्ट ये जगह फैमिली के साथ आना चाहते हो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड के साथ आना चाहते हो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गर्लफ्रेंड के साथ आना चाहते हो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जगह मैंने बता दी जहाँ बैठना है, बाकी जगह बड़ी अच्छी है, रोमांटिक सी भी है, ज़्यादा उम्मीद लगा के तो मत आना, बाकी ठीक ठाक। और सुबह 6 बजे खुल जाता है, शाम को 6 बजे बंद होता है। संडे के दिन ज़्यादा लोग आते हैं, क्राउड ज़्यादा होता है, तो प्लान कर रहे हो कि संडे के दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आऊँ तो मत आना। बाकी अंधेरा हो रख गया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ठंड का टाइम है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, कैमरे में दिख रहा है दिख रहा। बाकी वीडियो अच्छी तो लाइक कमेंट और यार वीडियो को शेयर 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 कर देना यार, थैंक यू सो मच। लास्ट मंथ बहुत लोगों ने शेयर की थी, तो इस मंथ भी शेयर कर देना। और कोई भी और अच्छी जगह हो दिल्ली के आसपास, दूर भी कहीं भी, तो कमेंट में बता देना। कुछ बात बुरी लगी तो वही बता देना, कोई गलती हो तो वही बताना। बाकी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।